नमस्कार, करियर न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, आज शुरू हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक दूसरे कॉलेज यानी मिरिंडा हाउस कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें वैकेंसी निकल के आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देखिए, इसमें हमें करना क्या है, गूगल में हमें टाइप करना है मिरिंडा हाउस, है ना, मिरिंडा हाउस कॉलेज। तो देखिए, इसमें आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा, है ना, इमेज दिखा रहा है, यहाँ वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए मिरिंडा हाउस फी स्ट्रक्चर, इसमें हम यहाँ से भी जा सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी से, या हम यहाँ से भी जा सकते हैं डायरेक्ट। तो हम यहाँ करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं इस वेबसाइट पे जहाँ पे आपको ये वैकेंसी दी है। बेसिकली ये लड़कियों के लिए कॉलेज है, मिरिंडा हाउस है ना, डेडिकेटेड टू गर्ल्स। तो देखिए, ये इसमें फर्स्ट ही दिखा रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द परमानेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज। असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ से PDF पॉपअप होगा, उसको डाउनलोड कर लेना है और उसमें डिटेल इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेना है, क्वालिफिकेशन देख लेना है। तो इसको क्लिक करते हैं, है ना। देखिए, मिरिंडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए, कहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेब लिंक, है ना, कॉलरिक डॉट यूओ डीयू डॉट एसी डॉट इन, है ना, इसमें जो है कॉलरिक डॉट यू ओ डी होगा, है ना, या डी यू, ये देख लीजिएगा। और इस वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन डालना है। इसमें जो पेमेंट है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर को जो सैलरी मिलेगी वो 7th पे कमीशन का लेवल 10 का जो पे मैट्रिक्स है उसके हिसाब से मिलेगी 57,700, है ना। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का ये है 18 अक्टूबर 2022, है ना। इसमें देखिए, अब इसका सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं जी, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। तो देखिए, बंगाली में टोटल 3 है, हम इधर से थोड़ा देखते हैं, रिजर्व के लिए 2 है, PWBD के लिए 1 है, SC ST और OBC एक वीकर सेक्शन के लिए इसमें नल है। उसके बाद फिर देखिए, बॉटनी में अगर बात करें तो 4 सीट है, अनरिजर्व के लिए 2 है, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 है, और फिर बॉटनी में SC के लिए 1 सीट है। फिर वैसे केमिस्ट्री में अगर बात करें तो टोटल 8 सीट है जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 है। फिर उसके बाद OBC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1 सीट है और SC के लिए 3 सीट है केमिस्ट्री में, है ना। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें टोटल 3 वैकेंसी है जो कि एक अनरिजर्व की है, PWBD का जो है 1 सीट है, उसके बाद OBC के लिए 1 सीट है, इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 3 सीटें हैं। वैसे ही एक एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें 7 सीट है, इंग्लिश में 3 सीटें हैं, ज्योग्राफी में भी 6 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 6 सीटों में अनरिजर्व की 2 सीटें हैं, उसके बाद OBC के लिए 3 सीटें हैं, एक ST की सीटें हैं, है ना। मैथमेटिक्स में 5 सीट है टोटल और फिलॉसफी में 1 सीट है। फिर उसके बाद देखिए, फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, उसके बाद फिजिक्स में जो है 12 वैकेंसी दिखा रहा है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है फिजिक्स में है, 12 वैकेंसी जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 सीटें हैं, और फिर उसके बाद PWBD के लिए 1 सीट है, उसके बाद आइए फिर हम देखें पॉलिटिकल साइंस में टोटल 3 वैकेंसी है, संस्कृत में 1 वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में 4 वैकेंसी है और जियोलॉजी में 5 वैकेंसी है, जिसमें कि अगर हम देखें OBC के लिए जो है जूलॉजी में 4 वैकेंसी है और SC के लिए 1 वैकेंसी है, है ना। तो ये देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट है तो अप्लाई कीजिए, है ना, कॉलरिक डॉट डी यू डॉट ए सी डॉट इन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है नेट होगा, पीएचडी कंपलसरी नहीं है इन सब्जेक्ट्स में, मैंडेटरी नहीं है, नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपका नेट क्लियर है यूजीसी या सीएसआईआर तो आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप कीजिए। कैटेगरी में डीयू में जो है, डीयू के जितने कॉलेज हैं उसमें एग्जेम्पशंस होता है फी वगैरह में, और जनरल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 500 फी लगता है। तो गुड लक, मिलते अगली वीडियो में किसी और वैकेंसी के साथ। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अप्रिसिएट करें। थैंक यू।